नमस्कार मित्रों, शक्ति और साधना का प्रतीक गुप्त नवरात्रा रविवार से आरंभ हो चुका है। साल के पहले गुप्त नवरात्रा पर घरों में, मंदिरों में घट स्थापना एवं माँ दुर्गा के पूजा पाठ, व्रत आदि आरंभ हो चुके हैं। विशेष रूप से गुप्त नवरात्र में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के स्वरूपों की गुप्त तरीके से पूजा और आराधना की जाती है और इस दौरान मंत्र जप, तप, साधना इत्यादि का विशेष महत्व माना जाता है और कई लोग तो मौन व्रत धारण करके भी गुप्त नवरात्रा करते हैं। गुप्त नवरात्रा के दौरान 10 महाविद्याओं की उपासना भी की जाती है, जिनके अंतर्गत माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला का तप साधना करने से आध्यात्मिक उन्नति और व्यक्ति यश, विजय, लाभ इत्यादि अनेक प्रकार के सुख और कई अलौकिक सिद्धियां हासिल कर सकता है। इसके अलावा विशेष रूप से बड़ी और ताकतवर तंत्र साधनाओं के अंतर्गत अप्सरा साधना और योगिनी साधना का स्थान अग्रगणी है और सर्वोच्च स्थान पर माना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जिनसे व्यक्ति अपनी बड़ी से बड़ी आकांक्षा को पूर्ण कर सकता है, अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकता है। हालांकि ये साधना थोड़ी कठिन होती है, इनमें परिश्रम, मेहनत, तप, जप इत्यादि का विशेष महत्व माना जाता है और सरलता से सहजता जो व्यक्ति अगर कर ले तो अवश्य ही वो दिन दूर नहीं होता जब उसकी उम्मीदें, उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। इसलिए अवश्य ही गुप्त नवरात्र के दौरान मंत्र सिद्धि हासिल की जा सकती है। हमारे शास्त्रों में जो विधान, जो मंत्र जप इत्यादि दिए गए हैं तो बड़े बड़े ही प्राचीन काल से हमारे ऋषि मनीषियों द्वारा संजोए हुए थे और उनको हर प्रकार के अलग अलग तंत्रों में स्थापित किया गया था और ये सभी विद्याएं भगवान शंकर द्वारा ही प्रदत्त है, इसलिए इनका उपयोग मानव को अवश्य करना चाहिए। योगिनी साधना विशेष रूप से गुप्त नवरात्र के दौरान बड़ी ही विशेष फलदायी मानी गई है। चाहे व्यापार हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे नौकरी या धंधा कारोबार चौबट क्यों ना हो गया हो, धन के सारे रास्ते बंद हो चुके हों, कर्ज में व्यक्ति डूबा हो या अन्य प्रकार की कोई परेशानी है, दुख है, संताप है, पीड़ा है, ग्रह बाधा है, शत्रु बाधा है या कोई प्रकार की तंत्र बाधा भी क्यों ना हो, तो अवश्य ही अपनी इन सभी बाधाओं, दुखों को दूर करने के लिए ये विद्या सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इससे व्यक्ति की बाधाएं तो दूर होती ही है, साथ ही विशेष रूप से स्वास्थ्य का लाभ भी प्राप्त होता है और हर बाधाओं को दूर करा करके देवी साधक की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण कर देती है, क्योंकि मन के अंदर के चलने वाली इच्छाएं सभी का पूरा होना संभव नहीं है, मगर जो व्यक्ति अगर ये साधना या विद्या सिद्ध कर लेता है तो अवश्य ही उसकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण हो जाती है, बशर्ते इन विद्याओं को, इन उपासनाओं को सिद्ध करना आवश्यक माना जाता है। सही गुरु के दिशा निर्देश से ही व्यक्ति इनमें सफलता हासिल कर सकता है। इसलिए अवश्य ही कामेश्वरी योगिनी साधना और महालक्ष्मी योगिनी साधना एवं अनुरागिणी मधुमति साधना और मनोहारिणी साधना इसमें सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इनके दौरान कुछ विशेष नियम अपने गुरु से प्राप्त करने के बाद ही ये साधना आरंभ करनी चाहिए, क्योंकि सही गुरु सटीक मार्गदर्शन प्रदान करता है और उसके द्वारा दिया गया मार्ग और नियम से ही व्यक्ति वो सिद्धियां हासिल कर सकता है। अन्यथा किताबी ज्ञान या इंटरनेट से ली गई वस्तु से व्यक्ति को सटीक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है और सिवाय विफलता के उसे कुछ हासिल नहीं होता है, भटक जाता है। इसलिए अपने गुरु से संपर्क करके ही आप ये साधना करें और उसके बाद में ही आप आगे का प्रयास जारी रखें। इसीलिए विशेष रूप से हमारे यहाँ इन यंत्रों को
सिद्ध करके ही और साधक को पूर्ण रूप से नियम और पालना बताने के बाद ही दीक्षा प्रदान करके साधनाएं आरंभ करवाई जाती है, जिससे कि साधक सटीकता से, सफलता से और सरलता से साधनाएं संपन्न कर लेता है। कामेश्वरी का ध्यान इस प्रकार है। ओम कामेश्वरी शशांकास्याम खेलत खंजन लोचनाम सदा लोल गतिम कांताम कुसुमास्त्र शिली मुखीम। इस प्रकार से देवी का ध्यान करने के पश्चात में सामने योगिनी यंत्र स्थापित करें, जिसका पंचोपचार पूजन करने के पश्चात ही शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर मंत्र जप आरंभ रखें और मंत्र जप गुरु के नियत अनुसार ही करें और रात्रिकाल में ही साधना करें। प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल तक अपना नित्य कर्म कर सकते हैं, अपना नौकरी कर सकते हैं, अपना व्यापार चला सकते हैं। रात्रिकाल में आकर के नहाने के पश्चात स्नान करके ही साधना में बैठना चाहिए। साधना एकांत कक्ष में करना चाहिए, क्योंकि चाहे नवान मंत्र हो चाहे किसी भी मंत्र की अगर आप उपासना करते हैं, एकांत सबसे पहले निश्चित किया जाना जरूरी है, क्योंकि बिना एकांत के एकाग्रता आ नहीं सकती। इसलिए एकांत आवश्यक है। शांत मन से शांत चित्त होकर के ही अकंपन भाव से साधना करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति को सरलता से सिद्धि हासिल हो जाती है और गुरु के दिशा निर्देश के अनुसार चलते चलते ही व्यक्ति उन ऊंचाइयों और बुलंदियों को हासिल कर ही लेता है, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए अवश्य ही गुप्त नवरात्रि के दौरान हमें ये उपासनाएं करनी चाहिए। और इसके समाप्ति के पश्चात में हमें चैत्रीय नवरात्रि का भी बड़ा ही बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि चैत्रीय नवरात्रि भी इसके बाद आएगी। धन्यवाद।